वेलकम टू डिडक्टिव क्लासेस बच्चे आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग और स्मेल्टिंग का मतलब आपको पता है जिसको हम जितने भी मेटल्स को जो प्रोसेस होता है एक्सट्रैक्टिंग ऑफ मेटल फ्राम देअर और इस कॉल स्मेल्टिंग तो हम एल्युमिनियम स्मेल्टिंग की बात करेंगे एल्युमिनियम की अगर हम बात करें तो ये बहुत ही सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेटेलॉजिकल इंडस्ट्री है हमारे इंडिया uh, में और सेकेंड लार्जेस्ट मेटोलॉजिकल इंडस्ट्री जैसे स्टील इंडस्ट्री है वैसे ही ये हमारा क्या है एल्यूमिनियम uh, uh, आता है जो कि सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेटोलॉजिकल इंडस्ट्री है अच्छा और अगर एल्यूमिनियम की क्वालिटी की बात करें स्पेसिफ़िकेशन की बात करें तो सबको पता है कि भाई ये लाइट होता है कॉरिजन रेजिस्टेंट पावर होती है उसमें रस्ट नहीं लगता है गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है मेलेबल किसी भी शेप में हम डाल सकते हैं या ढाल सकते हैं और ये बहुत स्ट्रॉग हो जाता है अगर हम उसे मिक्स करते हैं किसी और मेटल के साथ इसीलिए हम एल्यूमिनियम के यूटेंसल्स भी यूज़ करते हैं और आप लोग कई बार देखते भी हैं अपने घरों में ठीक है इसको हम और किसी यूज़ में करते हैं आर द यूज़ ऑफ एल्यूमिनियम राइट तो ये चीज़ आप उस जब कभी यूजेज आ सकता है तो उसमें आप लिख सकते हैं और एयरक्राफ्ट हो गया हमारे जो भी स्पेस में जाते हैं रॉकेट्स वगैरह उनमें हो गया यूटेंसिल्स हो गया वायर हो गया मतलब तो इन सब चीज़ों में हम एल्यूमिनियम को यूज़ करते हैं और इट गेन पॉपुलर्टी एज अ सब्सटिट्यूट ऑफ स्टील कॉपर जिंक एंड लीड इन नंबर ऑफ इंडस्ट्री इट मीनस वॉट ये सब्सिट्यूट मेटल है स्टील uh, के जगह पे आप इसे यूज़ कर सकते हैं कॉपर की जगह पे यूज़ कर सकते हैं जिंक की जगह पे यूज़ कर सकते हैं मतलब इन सब का सब्सिट्यूट है एल्यूमिनियम तो बहुत इजी वे में हम इन सबको यूज़ करते हैं अभी जो पिक्चर है बेसिकली जो पिक्चर आप देख रहे हैं पिक्चर में क्या हो रहा है पिक्चर में एलुमिनियम uh, जो है हम इसे एक uh, नालको नालको और डालको दो चीज़ें हैं जो कि उड़ीसा में नंबर ऑफ इनकी इंडस्ट्रीज़ हैं एल्युमिनियम काम जहाँ पे होते हैं बड़े बड़े शीट्स निकलती हैं तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं यहाँ पे roasting, आ, sorry, not roasting, इसका रोस्टिंग सॉरी नॉट रोस्टिंग इसका ना स्ट्रिप कोस्टिंग मिल है ये जहाँ पे एल्युमिनियम की शीट्स को रोल 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 किया जा रहा है ठीक है अच्छा आगे हम देखेंगे आ, यहीं पर ही कि एल्युमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट इन द कंट्री आर लोकेटेड इन उड़ीसा उड़ीसा अपने आप में एल्युमिनियम का एक्सट्रैक्शन के लिए बहुत ही फर्स्ट uh, पोजीशन पे स्टेट है उड़ीसा देन वेस्ट बंगाल केरला उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु ठीक है इन सब के नाम आप याद रखें ना उड़ीसा को मत भूलना अच्छा बॉक्साइड बॉक्साइट क्या है एल्युमिनियम का ओर है रेड कलर का कलर का सब्सटेंस होता है रॉक टाइप का स्ट्रक्चर होता है और uh, उसमें से हम एल्युमिनियम को एक्सट्रैक्ट करते हैं और बहुत ही बल्कि डार्क रेडिश कलर का रॉक होता है कई बार आपके जो टीचर्स हैं आप लोगों ने आपको क्लास में दिखाया भी होगा आई हैव इनफेक्ट दिस बॉक्साइट मेरे पास है ठीक है मैं जब भी ये चैप्टर करवाती हूँ तो हमेशा अपने बच्चों को दिखवाती हूँ इस बॉक्साइट uh, को तो बॉक्साइट uh, देख लेना आगे द फ्लो चार्ट गिविन बिलो शोज द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एल्यूमिनियम तो फ्लो चार्ट एक बार देख लो ऑल दो ज़्यादा कुछ नहीं है बॉक्साइड क्या है बॉक्साइड रॉ मटेरियल है अब बॉक्साइट को क्रश किया जाता है ठीक है जिसमें से एलमिनिया जो होता है डिसॉल्व कर लिया जाता है फिर रिफाइनरी में जाता है एंड देन एक्सट्रैक्शन का पूरा प्रोसेस होता है मॉल्टन मेटल uh, जो होता है वो एल्युमिनियम स्म्मेल्टर देन एल्युमिनियम स्म्मेल्टर कुल मिला करके वो जो एक्सट्रैक्शन होता है वो पूरा को पूरा प्रोसेस होता है अगर हम चार से छः टन बॉक्साइट लेते हैं तो उसमें दो टन एलुमिना होता है और वन टन हमारा एल्युमिनियम होता है ये जो चीज़ है ना बेटा इसको एक बार देख लेना क्योंकि फिलअप्स वगैरह में कभी कभी पूछ लिया जाता है तो एक बार ये चीज़ देख लेना ठीक है आगे हम यहाँ पर बात करेंगे किसकी केमिकल uh, इंडस्ट्रीज़ की बात करेंगे केमिकल इंडस्ट्रीज़ में हमारी बेसिकली पेट्रोकेमिकल वगैरह की हम बात करेंगे इट मींस पेट्रोकेमिकल की हम बात क्यों करेंगे क्योंकि पेट्रोकेमिकल का मतलब होता है एनी केमिकल सब्सटेंस विच इज़ ऑप्टेंड फ्रॉम पेट्रोल तो अभी केमिकल इंडस्ट्री पढ़ेंगे ना तो इसमें हम पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ वगैरह की बात करेंगे करेंगे फिलहाल तो देख लेते हैं क्या है केमिकल इंडस्ट्री तो हम अगर इंडिया की केमिकल इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं ऑब्वियसली बातें है, इंडियन जोग्राफी हम बात कर रहे हैं तो एक बहुत ही ज़्यादा फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है डायवर्सिफाइंग होता है भिन्न भिन्न प्रकार के डिफरेंट कर तरीके की आपको इंडस्ट्रीज यहाँ पे देखने को मिल जाएगी हमारे यहाँ पे लार्ज स्केल इंडस्ट्री भी है और स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं केमिकल की और रैपिड जो ग्रोथ है वो बेसिकली रिकॉर्ड हो रहा है बोथ हमारा इनऑर्गेनिक सेक्टर में भी और ऑर्गेनिक अब बोलोगे ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक का कांसेप्ट क्या है तो बेटा सिंपल सी बात है ज़्यादा कुछ डिटेल में नहीं जाना है आपने इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक का मतलब होता है ऑर्गेनिक क्या कि एनी थिंग विच डिराइव फ्रॉम द लिविंग मैटर उसे हम ऑर्गेनिक सेक्टर बोलेंगे ठीक है एनी थिंग विच डिराइव फ्रॉम द ऑर्गेनिक लिविंग मैटर इज कॉल्ड ऑर्गेनिक और एनी थिंग विच आर नॉट डिराइव फ्रॉम द लिविंग थिंग इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक जहाँ पे हम लिविंग थिंग को यूज़ नहीं कर रहे हैं उससे सब्सटेंस निकाल रहे हैं वो इनऑर्गेनिक है जहाँ पे हम लिविंग थिंग को यूज़ कर रहे हैं इट मीन्स वो ऑर्गेनिक सेक्टर है राइट अब अगर हम बात करें तो इनऑर्गेनिक केमिकल इन इंक्लूड्स इनऑर्गेनिक में क्या है सल्फ्यूरिक एसिड हो जाता है जिसको हम यूज़ करते हैं फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए सिंथेटिक फाइबर बनाने के लिए प्लास्टिक हो गया एडहेसिव मतलब चिपचिपा पदार्थ बनाने के लिए पेंट डाई स्टफ़ बनाने के लिए हम इनऑर्गेनिक केमिकल को यूज़ करते हैं इन सब चीज़ों को यूज़ करते हैं इन सब चीज़ों में बनाने के लिए अच्छा अब अगर नाइट्रिक एसिड की बात करें तो रटने वाली चीज़ें हैं बेसिकली समझने वाली क्या या नाम तो याद ही करोगे ना नाइट्रिक एसिड हो गई एल्कलीज हो गई सोडा ऐश हो गया वो ग्लास बनाने के लिए सोप बनाने के लिए डिटर्जेंट बनाने के लिए ठीक है तो ये वाइडली लेवल पे एक स्प्रेड हुआ है हमारी कंट्री में तो इनको आप एक बार देख लेना वाई डू यू थिंक इट इज़ सो अब ये ऐसा भाई क्यों है क्यों इतना स्प्रेड हुआ है तो इतना सिंपल चीज़ है पढ़ने की कोशिश करिए क्या कि ऑर्गेनिक केमिकल इंक्लूड अब ऑर्गेनिक केमिकल की बात कर रहे हैं विच इंक्लूड पेट्रोकेमिकल पेट्रोकेमिकल अभी मैंने दोबारा बोला पेट्रोल से जो चीज़ें बनती हैं उन्हें निकाली जाती हैं उन्हें हम पेट्रोकेमिकल बोलते हैं और पेट्रोकेमिकल हमें कैसे निकलेगा तो हमें पता ये फॉसिल फ्यूल से निकलेगा फॉसिल फ्यूल इट मीन्स क्या कोल वगैरह की अगर हम बात करें ठीक है तो ऑर्गेनिक केमिकल इंक्लूड पेट्रोकेमिकल्स विच आर यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिंथेटिक फाइबर बनाने के लिए सिंथेटिक रबर प्लास्टिक डाइस्टअप ब्राक पेट्रोकेमिकल्स फर्माकेटिकल्स ऑर्गेनिक केमिकल्स ठीक है तो प्लांट आर लोकेटेड नियर ऑयल रिफाइनरीज के होते हैं और पेट्रोकेमिकल प्लांट के पास होते हैं अच्छा द केमिकल इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो उसका अपना खुद का लार्जेस्ट कंज्यूमर यू नो स्टैब्लिश है ऑलरेडी और बेसिक बेसिक केमिकल अंडरगो प्रोसेसिंग टू फर्दर प्रोड्यूस अदर केमिकल दैट आर यूज्ड फॉर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन एग्रीकल्चर और डायरेक्टली कंज्यूमर मार्केट मेक अ लिस्ट ऑफ़ द प्रोडक्ट्स यू आर अवेयर ऑफ तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर सिंपल सी बात है केमिकल इंडस्ट्री में डायरेक्टली कंज्यूमर्स मिल जाते हैं जैसे फार्मर्स हो गए या uh, एक आम लोग ही हो गए जो केमिकल्स uh, को यूज़ करते हैं अपने एग्रीकल्चर फील्ड में तो अगर आपने यहाँ पे एक लिस्ट बनाने की बात की कि आप कितने लोगों को या कितने प्रोडक्ट से अवेयर हो आप उनकी बात बताइए तो हमें करने की जरूरत नहीं है ठीक है केमिकल फर्टिलाइजर्स वगैरह की अगर हम बात करें तो हम यहाँ पे उन सब की बात कर सकते हैं आप फर्टिलाइजर इंडस्ट्री की हम बात कर रहे हैं फर्टिलाइजर इंडस्ट्री की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम इस पहले वाले पैराग्राफ में देख लेते हैं इसमें क्या है बेसिकली ये सेंटर्ड है अराउंड द प्रोडक्शन ऑफ द नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स में क्या आते हैं फॉ यूरिया यूरिया बहुत ही फेमस है यूरिया को देख लेना और फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स, एमोनियम फॉस्फेट जिसे हम डाप बोलते हैं और कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स विच हैव कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन भी होता है और फोर्स फॉस्फेट uh, भी होता है पोटाश होता है एंड थर्ड जो पोटाश इज एंटायरली इंपॉर्टेंट एज अ कंट्री डज़ नॉट हैव एनी रिजर्व ऑफ कमर्शली यूजेबल पोटास और पोटेशियम कम्पाउंड इन एनी फॉर्म बेसिकली हमारा जो पोटाश है ये हमारे पास ज़्यादा मात्रा में नहीं है और कमर्शली uh, हम उसे यूज़ेबल अगर बात करते हैं तो हमारे पास कोई रिज़र्व नहीं है ये पोटाश का कोई भी अमाउंट uh, या बहुत तगड़े अमाउंट में ये हमारे पास रिज़र्व नहीं है जब ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था तो हमें पता है कि इंडस्ट्रीज़ एक्सपेंड हुई थी क्योंकि उसमें हमने हाई एल्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स को यूज़ किया था और uh, बहुत अदर पार्ट ऑफ द कंट्री में भी ये ग्रीन रिवॉल्यूशन हमारा स्प्रेड हुआ था ठीक है और uh, क्रैड नो डाउट फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्री का बहुत ही तगड़ा प्रोडक्शन हुआ था लोगों की डिमांड बहुत तगड़ी थी इन फर्टिलाइजर्स को लेकर के और जो अदर सिग्निफिकेंट प्रोड्यूसर्स हैं इन फर्टिलाइजर्स का वो आंध्र प्रदेश उड़ीसा राजस्थान बिहार महाराष्ट्र असम कोई तीन चार नाम याद कर लेना पूरे नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है ऐसे जितना इंपॉर्टेंट नहीं है ये सीमेंट इंडस्ट्री की बात करेंगे सीमेंट इंडस्ट्री की बात करते हैं तो भाई कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है अब हम कहाँ कहाँ कंस्ट्रक्शन करते हैं ये पूरी चीज़ें दी हैं चाहे वो रोड का है चाहे वो पुल का हो चाहे घर का हो चाहे किसी का भी हो ये जो इंडस्ट्री है वो बल्कि एंड हैवी रॉ मटेरियल यूज़ करती है जैसे लाइम सिलिका जिप्सम ये तीन नाम याद रखेंगे कोल इलेक्ट्रिक पावर आर नीडेड अपार्ट फ्रॉम द रेल ट्रांसपोर्टेशन ठीक है हमें पता है ये एक नी, बहुत ही जरूरी चीज़ है अगर हम रेल ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं कोल और इलेक्ट्रिक पावर की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे द इंडस्ट्री हैज़ स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड प्लांट इन गुजरात एंड सूटेबल एक्सेस इन द मार्केट की अगर हम बात करें तो ठीक है और इन द गल्फ़ ऑफ कंट्रीज़ ठीक है तो जो इंडस्ट्री है बेसिकली उसका जो प्लांट है वो गुजरात के पास है और हम ये बोल सकते हैं जहाँ से ईज़िली एक्सेस होता है मार्केट का और आसानी uh, से पास में ही गल्फ़ ऑफ गल्फ़ कंट्रीज़ पड़ जाती हैं तो आसानी से हम वहाँ पे उसको भेजते हैं एक्सपोर्टिंग वगैरह होती है उनकी ठीक है उसके बाद आता है हमारा टॉपिक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ऑटोमोबाइल हमें पता है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो व्हीकल प्रोवाइड करती है क्विक ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करती है गुड सर्विसेज प्रोवाइड करती है पैसेंजर्स वगैरह को ट्रक्स वगैरह को तो ये चीज़ हमें पता है चाहे वो मोटरसाइकिल हो चाहे वो ऑटो हो चाहे वो पैसेंजर हो चाहे किस कोई भी चीज़ हो कोई भी गाड़ी वाड़ी हो सब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का पार्ट है एंड आफ्टर द लिबरलाइजेशन नाइनटीन में आया था लिबरलाइजेशन हमारा हटा था हमारे ट्रेडिंग पेड़ से जब आप ग्लोबलाइजेशन चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट पता चलेगा लिबरलाइजेशन क्या था कि मतलब इम्पोर्ट्स पे हमने भी टैक्सेस वगैरह सब कुछ हटा दिया था ट्रेड करने के लिए हमने सबको फ्री कर दिया था हर कंट्री को और बहुत सारे हमारे मॉडल्स आए लोगों की डिमांड्स बढ़ी मार्केट में हमारी चीज़ें बाहर गई बाहर से चीज़ें अंदर आईं तो पैसेंजर कार्स टू थ्री व्हीलर्स में ग्रोथ हुआ और इंडस्ट्री कहाँ कहाँ लोकेटेड है दिल्ली तो है ही गुड़गांव है मुंबई पुणे चेन्नई जितने भी मेट्रोज हैं ना हर जगह ये इंडस्ट्रीज का काफ़ी बढ़ावा मिला और काफ़ी एक्सपेंड हुई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करेंगे यहाँ पे आईटी इंडस्ट्री तो आईटी इंडस्ट्री की बात करें तो ये एक आईटी इंडस्ट्री यानी कंप्यूटर इंडस्ट्री की बात करें जिसमें ट्रांजिस्टर से लेकर टेलीफोन रडार कंप्यूटर सब शामिल होता है जो भी आप जिससे आप कम्युनिकेट कर सकते हैं किसी न किसी फॉर्म में ठीक है अच्छा बेंगलुरु क्या है बेंगलुरु इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल मानी जाती है इंडिया का इंपॉर्टेंट है इसे कर लेना और इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स और भी हैं जितने भी मेट्रोज हैं ना चाहे वो मुंबई दिल्ली हैदराबाद पुणे चेन्नई कोलकाता लखनऊ कोम्ब्यूटूर सब आएंगे इसमें ठीक है और इसका जो कॉन्सन्ट्रेशन है इंडस्ट्री का वो बेंगलुरु रहेगा नोएडा रहेगा मुंबई रहेगा चेन्नई रहेगा आप कहीं भी देख लीजिए ना गुरुग्राम में ही बात करते हैं वो पूरा साइबर सिटी है पूरी की पूरी साइबर सिटी इट मीनस फॉर आप देख करके कई लोग बाहर से लोग आकर हो ये अच्छा ये इंडिया का पार्ट है क्योंकि पूरा का पूरा आईटी हब है वहाँ पे सेम बेंगलुरु का भी वही हाल है बीपीओ सेंटर कॉल सेंटर्स पूरे के पूरे छाए पड़े हुए हैं वहाँ पर ठीक है और हम अगर हम बात करते हैं तो द कंटिन्यू ग्रोथ इन द हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर इज़ अ की टू सक्सेसफुल आई टी इंडस्ट्री इन इंडिया और इसीलिए बेंगलुरु को हम सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी बोलते हैं ये जो पॉल्यूशन वाला पार्ट है बेटा वो अब हम अगले लेक्चर में करेंगे और अगले लेक्चर में करके इस चैप्टर को हम ख़त्म कर देंगे और आज के लिए इतना काफ़ी है इन केस इफ़ यू हैव डाउट दैन प्लीज़ टेक्स्ट मी थैंक यू